अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों जिन लोगों ने न्यू चैनल क्रिएट किया, जिनको थंबनेल नहीं बनाने आते, तो उनके लिए आज की ये मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। तो मेरी वीडियो को पूरा देखना। आज मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप HD थंबनेल बना सकते हैं, आपके व्यू भी ज़्यादा आएंगे इंशाल्लाह ताला उस थंबनेल से, क्योंकि 100 में से 80% थंबनेल को देखकर व्यू आते हैं। तो आप दोस्तों को बताऊंगा कि आपने थंबनेल HD थंबनेल कैसे बनाना है। मैं भी पहले एक यूज करता था थंबनेल मेकर, जिससे मैं थंबनेल बनाता था, लेकिन वो इतने अच्छा किसी काम का नहीं था। लेकिन अब मेरे हाथ एक ऐसा ऐप लगा है जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि वो कौन सा ऐप है जिससे आप अपना HD थंबनेल बना सकते हैं। तो दोस्तों जो मेरे चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी कोई भी वीडियो अपलोड करने पर आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं। तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा जी। तो दोस्तों बताता हूँ उस ऐप के बारे में आपको। वो ऐप है पिक्सल लैब। तो उस ऐप को आपने डाउनलोड कर लेना है और आगे मैं वीडियो स्टार्ट कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ आपने कैसे डाउनलोड करना है और कैसे थंबनेल बनाना है HD थंबनेल जी। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों सबसे पहले आपने अपने चले जाना है इस प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाके आपने पिक्सल लैब, आपने मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आपने लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर में आ जाना है और इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है पिक्सल लैब को जी। तो मेरा रेडी डाउनलोड होया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मेरा किधर गया, पिक्सल लैब डाउनलोड होया हुआ है ये ऊपर जी। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ सिंपली। इसके बाद हम इधर से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देख सकते हैं आप, मैंने पहले भी इधर से बनाता हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसको कैसे बना सकते हैं थंबनेल, एक HD थंबनेल। तो देख सकते हैं मैंने पहले भी बनाया है HD थंबनेल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करते हैं, दोबारा से ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इधर हम थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद इमेज साइज जी। तो इमेज साइज यहाँ से हम लेंगे और देख सकते हैं आप यूट्यूब चैनल बैनर यूट्यूब थंबनेल, हम थंबनेल पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमने थंबनेल बनाना है। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे और एक जो आपके सामने न्यू टेस्ट नज़र आ रहा है इस पर एक दफ़ा क्लिक करके इधर से डिलीट कर देंगे तो आपके सामने क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा। और इसके बाद इधर से आप गैलरी में से अगर कोई अपनी पिक्चर लगाना चाहते हैं अपनी या किसी भी चीज़ की, तो आप गैलरी में जाएंगे। सिंपली जाने के बाद जो मैंने आपको बताया था कि आप कैसे अपनी पिक्चर का पिछली वीडियो में बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज की हुई पिक्चर मैंने सेव की हुई है। इस पिक्चर को मैं सिंपली सिलेक्ट करके इधर से कर लेता हूँ सेव। तो आप इधर से अपनी पिक्चर को लगा सकते हैं। इसके अलावा आप पहले अपना बैकग्राउंड का कलर चेंज कर ले, अपने बैकग्राउंड का कलर चेंज मैं जैसे अभी आपको करके दिखाता हूँ बैकग्राउंड का कलर चेंज जी। तो दोस्तों अभी करके दिखाता हूँ। इधर से कलर पर जाएंगे। कलर पर जाने के बाद तो ये देख सकते हैं आप, मैंने अपने बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लिया। जो आपको पसंद आए वो आपने कर लेना है। उसके बाद इधर से मैंने अपनी पिक्चर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इधर, और यहाँ से पिक्चर सिलेक्ट करके ये इधर कर लेता हूँ जी। तो दोस्तों इधर पिक्चर सिलेक्ट करके आपने इधर कुछ भी अपना जो भी लिखना चाहते हैं जिस बारे में भी आपकी वीडियो है वो आप सिलेक्ट कर लें। जैसे मैं लिखता हूँ अभी, मैं इधर से कोई भी लिखता हूँ कुछ भी जी। तो दोस्तों इधर से मैं कुछ भी टाइप कर लेता हूँ, यानी कि हाउ टू क्रिएट FB अकाउंट जी। तो जैसे मैं ये करता हूँ कि हाउ टू क्रिएट FB अकाउंट, जैसे आप कुछ भी करना चाहते हैं तो आपने सिंपली यहाँ से आपने उसको कर लेना है और इसके बाद यहाँ आप अपना लगा सकते हैं जी। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको कैसे चेंज करना है। इधर जाएंगे हम, इधर ए पे क्लिक करेंगे। करने के बाद इधर से देख इसको सेट कर लेंगे थोड़ा सा ना, इधर से अल्फाज थोड़े से मोटे कर लेंगे। और तो मैं यूज़ करता हूँ अमृत बलोड जी। तो इधर से ये यूज़ करता हूँ। इसके बाद आपने थोड़े से आपके वर्ड मोटे हो जाएंगे तो आपने इधर आना है सिंपली, आगे थोड़ा सा जाना है साइज पे। साइज पे जाने के बाद थोड़ा सा बड़ा कर लेना है जी। तो दोस्तों थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे तो हम बड़ा करने के बाद इधर इसको फिट करके लगा देंगे। इसके बाद अपने आप अल्फाजों का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं और अल्फाजों का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे आपको दिखाता हूँ कि मैं इसका कैसे चेंज करूँगा
कलर जी। तो इधर क्लिक करने के बाद हम इधर से कलर चेंज कर लेंगे, कोई भी कलर आपको जो बेस्ट लगता है आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो मुझे, मैं बताता हूँ आपको, मुझे वाइट ही पसंद है तो मैं वाइट कर लेता हूँ, जच भी रहा है। तो इसके बाद वाइट करने के बाद इधर से हम बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं, जाते हैं इधर से, आप लिखा होगा आपको बैकग्राउंड नज़र आ जाएगा। तो ये आपको बैकग्राउंड नज़र आ गया, इसको इनेबल कर लेना है। करने के बाद देख सकते हैं बैकग्राउंड चेंज हो गया उसका बैकग्राउंड, और इस बैकग्राउंड का आप कलर भी चेंज कर सकते हैं जो अगर आपने करना हो तो। उधर से ही करेंगे हम, बैकग्राउंड से कलर चेंज करेंगे, आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे चेंज करना है जी। तो दोस्तों इधर बैकग्राउंड इधर जी, तो इधर से बैकग्राउंड का कलर आप चेंज कर सकते हैं, जो अभी आपको फिट लगे आप चेंज कर सकते हैं। इधर से देख सकते हैं कि कौन सा चेंज करना है, जो आपको अच्छा लगे। मुझे ये लगा, मैंने चेंज कर लिया। इसके बाद आप इधर कुछ भी लिख सकती हैं, आपके जो भी लिखना चाहिए आप, जिस मुताबिक आपकी वीडियो हो उसके मुताबिक आप इधर से आप लिख सकते हैं कुछ भी, और अपनी वीडियो को HD बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप आज, आपको ये वीडियो मेरी बहुत ही पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो वो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई आपको, आपने क्वेश्चन पूछने हो इस बारे में तो कमेंट में, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।